पूरा काल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक कानून बनाने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी बात पर लोग कानून का उल्लंघन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के गलशही थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के निकट स्थित एक निजी अस्पताल से सामने आया, जहां लोगों ने एक युवक को चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस भीड़ में जो भी आया उसने युवक पर अपना हाथ साफ कर लिया। पिटता युवक बचाव के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसे छुड़ाने कोई नहीं आया। कुछ देर बाद भीड़ ने युवक का जुलूस निकालते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और तो और सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता ने भी बीच सड़क पर युवक को कई थप्पड़ लगाते हुए अपनी राजनीति चमका डाली, जिसके बाद पुलिस उस युवक को वापस लेकर अस्पताल पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पिटाई में घायल युवक की मां ने तो वो अपना चेकअप कराने अस्पताल गया था, जहां किसी गलतफहमी के चलते उसकी पिटाई कर दी गई। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। सीताजी का क्या नाम है? क्या करते हैं? एल्युमिनियम का काम करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपना एक्सरे म्यूजिक कराने के लिए आए तो एक्सरे चार्ज लेने प्रॉब्लम हो रही, तुम्हें अपना नंबर देखना आया था। तुम यहाँ क्या करना है? तो ऊपर थोड़ी खड़ा था, नंबर लगवाया नहीं, नंबर जो लगवाने के लिए खड़ा था मैं वहाँ पे। ये उचक्के टाइप के लोग अपना जमीन लगा लेते हैं जी जी, और सुरक्षा के लिहाज से गार्ड तैनात है, कैमरे लगे हुए हैं जी डॉक्टर साहब, लेकिन अब उनका तो गुनहगार ही है। हाँ सही है, नहीं तो इसमें कुछ क्या मतलब इसे देखा जा सकता है सीसीटीवी से? हाँ, सीसीटीवी से देखा जा सकता है, तो जरा दिखा दीजिए, पुलिस को दे दिया जाएगा।